हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रहा है वाटरफॉल सरोजिनी वाटिका में, और जो कि हम गए हुए थे शाम के टाइम। इस ये चालू होता है, काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह रहती है यहाँ पे, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हो रही है पूजा, तो हम भी इसमें खड़े हुए हैं। ये पूजा सोमवार के दिन होती है, सोमवार और शुक्रवार, तो किसी के वहाँ भी हो सकती है। बहुत अच्छी लगती है। और जब कोई अपनी जैसे मनोकामना मांगता है भगवान जी से, अगर वो पूरा हो जाता है तब ये पूजा की जाती है। इसमें जो है खोए और चीनी का भोग लगाया जाता है, तो कुछ इस प्रकार की पूजा होती है। सबको सभी के हाथों में दे दिया जाता है, और जैसे ही पूजा हो जाती है तो सबको एक तरफ से खाना होता है। तो कुछ इस प्रकार ये हमारे वहाँ भी पूजा होती है। मैंने शादी के बाद से दो बार ये पूजा में शामिल हुए हैं। और उधर मेरी मम्मी भी खड़ी हैं ब्लू साड़ी में। और उसी दिन भैया, इतना खाने के बाद मेरी मम्मी की दाढ़ इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी कि पूछो मत। इसको चाट चाट के खाया जाता होगा, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होगा ये देखने में। और मम्मी के दाढ़ में इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि उनको दाढ़ ही उखड़वाना पड़ा, क्योंकि वो मीठा खा के थोड़ी देर सो गई, तो सोने की वजह से उनके दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, पता नहीं क्यों। तो कभी भी मीठा उठा खाने के बाद पहले जो है उसको अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, तुरंत हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कीटाणु जो है हमारे दांतों में फंस जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद दो ग्लास लगभग पानी पी गए थे हम लोग। और फिर हम घर जाते हैं, और ये देखो हो चुका है, एक बार और शायद पूजा करेंगे। सब ने पानी पी लिया है, अब एक एक करके लाइन से जो है पूजा करेंगे। जिसको बोलते सुहाग लेना, वो सभी लोग लेते हैं। ये सबकी बिंदियाँ लगा रही हैं आंटी, और फिर सबको सभी को एक एक चूड़ी देंगी। वो हम लोग चूड़ी भी पहन लेंगे, पूजा वाली चूड़ी पहनना शुभ होता है। तो ये मैं थी ऑरेंज कलर की साड़ी में, साड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये फिर हम आ गए घर, तो घर में बन रही है बेसन की रोटी और बैंगन का चोखा, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है लोगों का। हालांकि बनने वाली थी लिट्टी, लेकिन लिट्टी मम्मी ने मना कर दिया, तो लिट्टी नहीं बनी थी, ये बेसन की रोटियाँ बनी थी। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। एक रोटी मैं उनको भी दे कर आती हूँ अभी। और इस प्रकार सब लोग एक ही एक रोटी खा लोगे तो पेट भर जाता है। और बैंगन का भरता भाई लाजवाब बना हुआ था, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, और हरी मिर्च और लहसुन और प्याज मतलब काटे तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा। और इसमें मेन बात ये थी कि मतलब उबले हुए तीन आलूओं को मैंने इसमें मैश कर दिया था, जिसके वजह से टेस्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया था, और बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर आज हम करने जा रहे हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि अब हम बहुत यहाँ रुक लिए, अब चल रहे हैं। और मेरी लगभग तबीयत भी सही हो गई है, तो मैं कुछ इधर खा पी नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस आ गई थी, मतलब लगता नहीं था। तभी देखो वीडियो वगैरह भी टाइमली आ नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। और अब सब कुछ सही हो रहा है, मतलब हो भी जाएगा यार। ये चोखा तो मेरा बार बार खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि वीडियो तो हम चोखा खाने के बाद ही बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट मुझे ऑलरेडी पता हो, मतलब है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कम से कम 30-35 लहसुन की कलियाँ डाली थी, इतना बढ़िया बना था कि मतलब दोबारा दोबारा सब मांग रहे थे, लेकिन बच्चा ही नहीं था। तो बस देखो खूब बढ़िया, जो मुझे जितना सामान ले जाएंगे मैं उतना रखूँगी, सारा सामान ले जाऊँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।